देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी जयपुर में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों के बाद DCP ईस्ट और प्रताप नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौपहिया वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए करीब आधा दर्जन वारदातों का भी खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार 9 मार्च को जगतपुरा के आनंद विहार से एक टाटा सफारी और पिकअप चोरी हुई थी। मामले में जांच के दौरान आरोपी नागौर के नवा से एक आरोपी दौसा निवासी जीतू कुमार को रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी करौली निवासी रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की एक टाटा सफारी और एक पिकअप को जब्त किया है। एक जो हमारे यहाँ पे वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं और हम लोग उसमें एक्शन भी कर रहे हैं लगातार, हमने वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान जारी कर रखा है, तो इसके तहत अपने को एक अच्छी सफलता मिली है। थाना इलाका प्रताप नगर से गत दिनों में 2 व्हीकल चोरी हुए थे, एक तो टाटा सफारी थी, एक बोलेरो पिकअप थी। तो इन चोरों का पीछा करते हुए जिला नागौर की नावा की टीम ने पुलिस की, जयपुर ईस्ट की पुलिस की मदद भी की है। वहाँ पर इन्होंने नाकाबंदी में इन चोरों को पकड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से उनसे संपर्क कर रखा था, तो ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के चलते हुए उन लोगों ने इन चोरों को रोका और हम लोगों को सूचना दी। तो हम लोग वहाँ पर अपने मुकदमे को लेकर पहुँचे हैं, वहाँ से इन चोरों को बरामद करके दस्तयाब कर